हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग जो रहने वाला है वो रहने वाला है वेदवन पार्क के ऊपर। जी हाँ, एक ऐसा पार्क जहाँ पे हमें जाने से नॉलेज मिलती है वेदों के बारे में। उस पार्क को पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, उस तरह से बनाया गया है जिसमें वेदों का पूरा ज्ञान दिया गया। अगर आप नहीं जानते वेदों के बारे में कुछ भी, वेद का वह भी नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे आके आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस व्लॉग में कि किस तरह हम इन्जॉय करते हैं, किस तरह यहाँ पे वेदवन पार्क में हम पहुँच सकते हैं। एंट्री टिकट क्या रहने वाली है, फ्री है या कोई टिकट प्राइसेस है? और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लेजर लाइट शो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो है नोएडा की सोसाइटी है। बाकी हम आगे देखते हैं कि किस तरह क्या क्या देख सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम देखते हैं आगे। वेदवन पार्क भारत का पहला ऐसा पार्क है जिसे हमारे वेदों के आधार पर बनाया गया है। यह पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा सेक्टर 78 में स्थापित किया गया है। वेदवन पार्क आने के लिए हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होता है नोएडा सेक्टर 101, और आप चाहे तो अपनी कार से भी यहाँ पे आ सकते हैं। वेदवन पार्क की अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक पार्क ओपन रहता है, और बुधवार को छोड़ के सभी दिन पार्क ओपन रहता है। बुधवार को पार्क की सफाई की जाती है, मेंटेनेंस किया जाता है, इसलिए पार्क को बुधवार को बंद कर दिया जाता है। पार्क में एंट्री करने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है जिसका चार्ज 20 रुपीज पर पर्सन रहने वाला है। वेदवन पार्क में हम एंट्री करते हैं तो हमें सामने सबसे पहले कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जिसमें हमारे सभी चार वेदों के बारे में हमें बताया जाता है, जो जो हमारे चार वेद थे, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदवन पार्क को हमारे 7 जोनों में बांटा गया है, जो भी हमारे सप्तऋषि हुआ करते थे उनके नाम पर, जैसे कि कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज। वेदवन पार्क के अंदर हर शाम 7 बजे लेजर एंड साउंड शो प्रोग्राम होता है, जो कि अपने आप में इस पार्क की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है और ज्ञान देता है हमें संपूर्ण वाटर फाउंटेन शो में इस वेदों के बारे में हमारे। तो हम भी इंतजार करते हैं बस शाम होने का और शो का आनंद लेने का। तब तक आप भी म्यूजिक के साथ पार्क को एंजॉय करिए। पार्क के अंदर हमें कुछ इस तरह की मूर्तियां देखने को मिलती थी, जैसे कि प्यास बुझाते हुए या ऋषिवर आश्रम में किस तरह बच्चों को पढ़ाया करते थे, उस तरह की हमें मूर्तियां दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करती हैं लोगों को अपने आप में। यहाँ पे आप अपने बच्चों को बाइक राइड, कार राइड, झूले वगैरह भी इस तरह से झुला सकते हैं, घुमा सकते हैं। बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा जगह रहने वाला है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर आप भी सोच रहे अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जाना तो आप वेदवन पार्क जरूर आए। ज्ञान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के साथ जरूर यहाँ पे इंजॉय करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं वीडियो में, बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने अलग अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं, जो हमारे जैसे यंग एज है वो अलग अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे खाने पीने की बात करते हैं तो पार्क के बाहर आपको काफी सारा स्ट्रीट फूड खाने पीने को मिल जाएगा, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे और बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको अच्छा मिलता है खाने को यहाँ पे।
वेदन पार्क के ठीक पीछे माँ दुर्गा का मंदिर था जो कि काफी ज्यादा सुंदर था। आप चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। धीरे धीरे शाम होते जा रही थी, लोग झूलों का और एक्सरसाइज करके आनंद लिए जा रहे थे। आप चाहे तो अपने बच्चों को भी यहाँ पे झूला झुला सकते हैं और खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलते जा रहा था और पार्क की सुंदरता अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दिन में जो सुंदर थी वो तो थी ही, लेकिन लाइट के जलने के बाद पार्क की दुगनी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह हम देख सकते हैं, काफी ज्यादा सुंदर पार्क देखने को लग रहा था। बस अब सभी को इंतजार था जल्द से जल्द लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम स्टार्ट हो और हम अपने वेदों का वाटर फाउंटेन शो का आनंद लें। वाटर फाउंटेन शो स्टार्ट होने ही वाला था कि जल्द से जल्द लोग सभी अपनी अपनी पोजीशन पर आने लगे थे। अपनी अपनी सीट लेने के लिए लोग जल्द से जल्द पहुंच गए थे और यहाँ पर ये देखिए, वाटर फाउंटेन शो हमारा स्टार्ट हो भी चुका है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो जा रही थी, सभी अपने अपने बिल्डिंगों से उतर कर आए जा रहे थे। इस तरह हमने वेदवन पार्क को एक्सप्लोर किया और देखा कि क्या सब है यहाँ पे। काफी अच्छा लगा है मुझे तो यहाँ पे आकर। तो आप भी बहुत से जल्द यहाँ पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आए अगर आप नहीं आए हैं अभी तक तो, और काफी एंजॉय होने वाला है यहाँ पे। और आप चाहे तो यहाँ पे आकर पिकनिक भी मना सकते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें कैसा लगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं।